सुशांत सिंह की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है और सबकी अलग अलग राय है, पर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम और आप पुष्ट तो नहीं कर सकते लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। हमारी ये रिपोर्ट जो है वो मुंबई के अलग अलग मीडिया सोर्स के आधार पर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सूरज पंचोली ने दिशा सालियन, जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर हैं और जिनकी हत्या की जा चुकी है सुशांत के सुसाइड से पहले, उन्हें घर में पार्टी है बोलकर इनवाइट किया था और वो सुशांत की पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से सूरज पंचोली से उनकी अनबन चल रही थी, लेकिन काफी बार फ्रेंड्स के कहने पर दिशा सूरज के पेंट हाउस में रात 8 बजे अकेली पहुंची। इस पार्टी में मौजूद थे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह, जो रिसेंटली अर्नब की डिबेट में आपने देखा होगा साफ साफ बेहद नर्वस दिखा था और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। और यहीं से हमारी रिपोर्ट की अगली कड़ी जुड़ती है। उसी रात दिशा का रेप किया गया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसी रात इन तीनों ने मिलकर उसका रेप किया और उसे बाद में 14th फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन दिशा के रेप और ऊपर फेंके जाने के बीच दिशा को थोड़ा सा वक्त मिला और उसने सुशांत को फोन करके या मैसेज करके सारी बात बताई थी। सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और दिशा के रेपिस्टों को यह बात पता चल गई थी और वो सुशांत इन सारी बातों को जान चुका था। इसके बाद इन लोगों ने सुशांत को धमकियां देनी शुरू कर दी, लगातार फोन करके उनको जान से मारने की धमकी और चुप रहने की धमकी दी जा रही थी। इसलिए 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत ने 14 बार अपना सिम बदला था। ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, उनके पिता के आरोप भी लग रहे हैं। और रिया ये बात महेश भट्ट को बताती है और महेश भट्ट उसको सुशांत का घर तुरंत छोड़ देने की बात बोलते हैं। और सबको पता है कि रिया वहां से 10 तारीख को सुशांत का घर छोड़कर अचानक से चली गई बिना कोई रीजन दिए। और रिपोर्ट्स सर्वविदित हैं कि उस सुशांत का नंबर भी रिया ने ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से सुशांत डिप्रेशन में भी थी। अब सुशांत के रिया से इसलिए झगड़े हुए क्योंकि वो दिशा को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रिया का भाई खुद दिशा के इन कातिलों में शामिल था, इसलिए रिया सुशांत को चुप रहने को कहती है और दिशा रिया धमकी देती है कि वो उसे पागल घोषित करके तबाह और बदनाम कर देगी। अब रिपोर्ट्स तमाम ऐसी भी हैं कि इसी बीच संदीप सिंह ने, आदित्य ठाकरे ने, सूरज और अरबाज सबको खबर की थी कि सुशांत चुप नहीं रहने वाला है और वो कभी भी मीडिया में अपना मुंह खोल देगा। सब इन सब ने आदित्य ठाकरे के घर पर सुशांत को 13 की रात ही मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन सब आदित्य के बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। और अब आपको बताते हैं कि 13 की रात आखिर क्या हुआ था। 13 तारीख की सुशांत बहुत बेहद खुश था क्योंकि 12 जून को उसने रूमी जाफरी के साथ नया प्रोजेक्ट साइन किया था। रूमी जाफरी ने रिसेंटली अभी टाइम को इंटरव्यू भी दिया है और उसमें जाफरी ने बताया है कि जून के फर्स्ट वीक में ही हमारी ये डील हो गई थी। और जब जाफरी ने सुशांत को कॉल करने की कोशिश की तो हर बार रिया उसका फोन उठाती थी, क्योंकि रिया उसकी की पूरी एक्टिविटीज हैंडल कर रही थी। सुशांत ने उसी प्रोजेक्ट की खुशी में 13 जून को घर पर पार्टी भी दी थी। रात 10:20 के आसपास आदित्य ठाकरे भी उस पार्टी में आया था, जिसकी फुटेज सीसीटीवी फुटेज जो है बिल्डिंग के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और जो सबने देखी। अब सवाल ये तो खड़ा ही होगा कि पार्टी के दौरान सुशांत के डॉग के गली की बेल्ट से क्या उसे मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि गले में जो निशान थे वो बेल्ट से मैच आ रहे हैं। और क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट में भी डेथ का टाइम नहीं बताया गया है, ये भी बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या सब मिले हुए हैं। अगर जिस मर्डर में खुद उद्धव का बेटा इन्वॉल्व हो, उसकी जांच सीबीआई को कैसे दी जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। अब इन आरोपों को सीधे तौर पर हम पुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पूरे प्रक्रम की कड़ी दर कड़ी जोड़ने पर ये आरोप काफी हद तक सही लगने लगते हैं। आपको इन आरोपों के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें और सुशांत को न्याय दिलाने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें।
फिर मिलूंगा आपसे। शुक्रिया, नमस्कार।